हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 यानी चैप्टर मैट्रिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने इसलिए नहीं करवाई थी जब मैं मैट्रिक्स का चैप्टर करवा रही थी, क्योंकि उस टाइम पे जो मैंने थ्योरम्स करवाई थी मोस्ट ऑफ उसमें आपकी एक्सरसाइज कवर हो जाती है। जैसे स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज के हैं वो एज इट इज थ्योरम्स हैं, और वो मैं आपको करवा चुके हूँ। जो आप अगर लेक्चर सेकंड देखेंगे मैट्राइसिस से प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो सेकंड चैप्टर में सेकंड जो वीडियो है उसमें आपको सारे जो क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप चेक कीजिएगा। तो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ, 5th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वो मैं एज इट इज़ वहाँ पर करवा चुकी हूँ एज अ थ्योरम। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है एंड इसका एडजॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। एंड वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू I3 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहले हम ये ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, दिस इज मैट्रिक्स ए। देन डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 2 1 3 3 1 2 1 2 3। ट्रीटमेंट फाइंड आउट करते हैं, इसका एक्सपेंड करेंगे। 2 × 3 माइनस 2 × 4 माइनस सेकेंड फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट हम एक्सपेंड कर रहे हैं माइनस 1, देन 3 × 3 = 9 माइनस 2 प्लस 3 × 3 × 6 माइनस 1। ओके, 2 3 − 4 फिर माइनस 1 9 माइनस 2 एंड फिर प्लस 3, ये रो और ये कॉलम स्किप करके 6 माइनस 1। सॉल्व करेंगे इसको, 2 × −1 ये आ जाएगा माइनस 2, ठीक है। दिस इज 7 माइनस 7 एंड प्लस यहाँ से 5 प्लस 15 माइनस 9 प्लस 15 दिस इज इक्वल टू 15 − 9 6 आ जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसके लिए आपको कोफैक्टर चाहिए होंगे। a11 इज −1 raised to power 2। डिटरमिनेंट ऑफ जब हम यहाँ पर लेंगे a11 मीन्स इसका आप फाइंड आउट कर रहे हो कोफैक्टर, ये कॉलम एंड ये रो स्किप करेंगे, डिटरमिनेंट आ जाएगा 1 2 2 3। दिस इज 3 − 4 − 1 a12 लेके चलेंगे। −1 raised to power 3 is a −, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 इज दिस एंड 3 2 1 3, ठीक है। 1 2 मीन्स हम इसका निकाल रहे हैं कोफैक्टर, ये कॉलम और ये रो स्किप कर देंगे। 3 2 1 3 दिस इज −6 − 2 − 4। a13 इज −1 raised to power 4 पॉजिटिव रहेगा, इसका फाइंड आउट कर रहे हैं। 3 1 1 2 डिटर्मिनेंट 6 − 1 is a 5 a21 −1 raised to power 3 − 2 1 is this। ओके, ये रो और ये कॉलम स्किप करेंगे। 1 3 2 3 1 3 2 3 दिस इज 3 − 6, ठीक है। और माइनस ऑलरेडी बाहर चल रहा है हमारा, ये आ जाएगा −3 − 6 is a 3, यहाँ से −3 प्लस हो जाएगा। a22 इज प्लस का रहेगा, 2 2 दिस ये एंड ये, 2 3 1 3 2 3 1 3 दिस इज 6 − 3 is a 3। a23 2 3 मीन्स इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं, ये रो एंड ये कॉलम 2 1 1 2 2 1 1 2 is a 4 − 1 एंड ये माइनस का रहेगा −1 raised to power 5 −4 − 1 is a −3, ठीक है। अच्छा, बाकी के जो कोफैक्टर रहते हैं हमारे a31 −1 raised to power 4 is a positive 3 1 एंड इसको स्किप करेंगे 1 3 1 2 दिस इज 2 − 3 − 1
A32 इस नंबर का फाइंड आउट करेंगे, देन ये कॉलम एंड ये रो 2332 4 माइनस 9 इज ए माइनस 5 एंड A33 आप फाइंड आउट करते हैं इस नंबर में, देन 2131 ये आ जाएगा 2 माइनस 3 इज माइनस 1। ठीक है, अब हम लेके चलेंगे यहाँ से मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं, देन यहीं पे निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर एंड उसका ट्रांसपोज। ठीक है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाते हैं -1 -4 5 2 1 इज 3 देन 3 -3 एंड -1 -5 एंड -1 और इसका लेंगे हम ट्रांसपोज, ये आ जाएगा आपके पास -1 -4 5 3 3 -3 एंड -1 -5 -1 थर्ड रो इज थर्ड कॉलम। ठीक है, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ये 3 2 फाइंड आउट कर रहे हैं, ये माइनस का रहेगा भाई, माइनस अप्लाई होगा बाहर माइनस एंड ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 3 2 प्लेस दैट मीन्स दिस नंबर पॉजिटिव एंड इसको हमने किया है कहाँ पे ट्रांसपोज लेंगे, दिस इज द फर्स्ट सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको फाइंड आउट करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स 2 1 3 3 1 2 एंड 1 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के साथ। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया -1 3 -1 -4 3 5 5 -3 -1 यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा वो हमारा एक सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई आप करके देख लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, एक मिस्टेक और मिल गई भाई, इसको भी रिमूव करना है 9 -2 दिस इज -7 आ रही। ठीक है, A12 प्लेस था ये हमारा, A12 मैट्रिक्स हमने बनाई A11 A12 दिस इज -7 रहेगा एंड यहाँ पे -7 एंड यहाँ पे वैल्यू रखेंगे -7। ठीक है, ए मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, देन हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स रखेंगे मीन्स -1 3 -1 -7 3 5 5 -3 एंड फिर हम ए मैट्रिक्स रखेंगे यहाँ पे 3 1 2 1 2 3। अब आपको मल्टीप्लाई करना है एंड आपका यही आंसर आना चाहिए एंड लास्ट में देखना है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू I3 दैट मीन्स आइडेंटिटी 3 ऑर्डर के, और हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट किया था, हमारा आंसर आया था 6। वैल्यू रखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए जो 6 एंड I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होता है 6 0 0 6 ये आ जाएगा। तो तीनों आपके पास इक्वल आएंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये आया हमारे पास इक्वल टू ऑफ दिस एंड ये जब आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई ओपन करना है देन आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रूव करना है 5th क्वेश्चन, इसमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करें। अगर आपका इसका इनवर्स पूछ लिया जाता है तो इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। 6th क्वेश्चन में आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है और इनवर्स के क्वेश्चन मेथड मैंने आपको बता दिया है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए।
देन ये जो क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, इसके 2-3 पार्ट है, इनके सॉल्यूशंस की PDF बना के मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है? आपको वहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। बोर्ड पे आई थिंक करवाना पॉसिबल नहीं होगा सारे पार्ट। 7th क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एंड ए इज़ अ नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है, देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बी इन टू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इनवर्स बी इंटू ए। अभी हमें गिवन है कि ए हमारा एज ए इज नॉन सिंगुलर देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है? नाउ ए इनवर्स डिटर्मिनेंट सेपरेट कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट का इनवर्स, ठीक है? अब हम इसकी पावर यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर -1, इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं, दैट मीन्स इसको मैं लिख सकती हूँ 1/(1) डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको हम जो है वो अपॉन में क्यों लेके आए, क्योंकि हमें गिवन है कि ए हमारा नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स ये क्वांटिटी जीरो के इक्वल नहीं होगी। अगर जीरो के ये कंडीशन ना गिवन होती तो, अगर जीरो के इक्वल हो जाती तो यहाँ पे इन्फिनिटी बन जाता, ठीक है? इसलिए यहाँ पे ये फाइनाइट वैल्यू देगा, इससे कैंसिल, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और यही आपको प्रूव करना था कि ए इनवर्स बी इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। लेट ए एंड बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एन। ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। कह रहा है कि डज ए प्लस बी इनवर्स एग्जिस्ट, क्या ए प्लस बी अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देती हूँ क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? इफ़ नॉट, अगर नहीं करेगा, शो बाय एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल दे के आप शो कीजिए। हमें गिवन है ए एंड बी आर इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल हम कैसे प्रूव करते हैं? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होती है? मैट्रिसेस इम्प्लाइज दैट अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है देन इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, क्यों करता है? क्योंकि ए इनवर्स की वैल्यू होती है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, देन जो डिनोमिनेटर की जो टर्म है हमारी वो नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ओके, अगर जीरो आ जाएगा तो ये इन्फिनिटी वैल्यू बना देगा, और इन क्योंकि फिर वहाँ पे हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू तभी, यानी ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, दैट मीन्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें गिवन है कि ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ऑल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है? अब ये पूछ रखा है कि क्या a प्लस बी, यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ देती हूँ a प्लस बी एंड इसका इन्वर्स अगर मैं फाइंड आउट करूँ, यानी इन्वर्स ऑफ a प्लस बी, क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है? यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि अगर a और b मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो a प्लस बी का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? ये हम एग्जाम्पल से शो करेंगे। ए प्लस बी, अगर ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं देयरफॉर इनके एडिशन का इनवर्स यानी ए प्लस बी इनवर्स मे नॉट एग्जिस्ट। जरूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है? देखिए एग्जांपल, ए मैट्रिक्स मैंने लिया 0 1 1 0 एंड बी मैट्रिक्स मैं ले लेती हूँ 0 -1 -1 0। अब हम इनको क्या करना है, इन्वर्टिबल दिखाना है, क्योंकि ए और बी जो हमने मैट्रिक्स लिए वो हमारे इन्वर्टिबल दे रखी है, दैट मीन्स इनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 1 1 0 0 -1, दिस इज -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। हमारी ए मैट्रिक्स, इसका मतलब हमने जो लिया है वो हमारी राइट है। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ बी चेक करते हैं, 0 -1 -1 0, दिस इज 0 माइनस, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे +1 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो -1, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू
जीरो जीरो माइनस करेंगे यहाँ पे, तीन माइनस आ जाते हैं, देन एक माइनस रह जाएगा, माइनस वन आ गया। ओके, अब ए और बी तो हमारी दोनों की दोनों कैसी आ गई, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बिकॉज दीज आर बोथ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब हमें दिखाना है कि अगर मैं इन दोनों की एडिशन कर लेती हूँ, यहाँ पे करते हैं ए प्लस बी, मैं फाइंड आउट करती हूँ, ए प्लस बी मीन्स ज़ीरो वन वन ज़ीरो प्लस बी की वैल्यू रखेंगे ज़ीरो माइनस वन वन ज़ीरो, दोनों को ऐड करेंगे देन ज़ीरो वन प्लस, यानी कि ऐड कर रहे हो यहाँ पे माइनस वन है, वन माइनस वन एंड ज़ीरो, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो 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 एंड ज़ीरो, दिस मैट्रिक्स इज इटसेल्फ इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स। ओके, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी दिस इज ऑल्सो ज़ीरो, ठीक है, दैट मीन्स ए प्लस बी मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो आ गया, इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी इज सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए प्लस बी डज नॉट एग्जिस्ट। जरूरी नहीं है कि अगर ए और बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एडिशन का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये हमने एग्जाम्पल से यहाँ पे प्रूव किया। आपके पास थ्री इक्वेशंस गिवन है, इसको आपको सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड मीन्स यहाँ पे हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में, ठीक है। अगर हमें ये इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देन सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, इसको मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट मीन्स तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये होता है सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, ठीक है। इसको मैं मैट्रिक्स मेथड से कैसे निकालते हैं, हमें यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में चाहिए ए इनवर्स, एंड ए मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले ये मैट्रिक्स देखिए, ए मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई जेड, फर्स्ट जो इक्वेशन है यहाँ से एक्स का कोफिशियंट वन, वाई नहीं है ज़ीरो, जेड का वन, सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट टू, वाई का वन, जेड का ज़ीरो, थर्ड में लेके चलेंगे थ्री टू वन, ये मैट्रिक्स ए होगी हमारी। एक्स मैट्रिक्स क्या होती है, जो वेरिएबल यहाँ पे गिवन होंगे एक्स वाई जेड, ओके, एंड बी मैट्रिक्स होती है जो इक्वल टू में कांस्टेंट होते हैं सेवन सेवन एंड सेवनटीन। अब इसको आपको सॉल्व करना है, दैट मीन्स सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स निकाल के मैट्रिक्स ए ये बनेगी हमारी, ये मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, मैट्रिक्स ए ये आ गई, ए का इनवर्स निकालेंगे बी से, यानी कि इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी मैट्रिक्स बी है, ये कैपिटल एक्स है, दिस इज बी, दिस इज कैपिटल एक्स, एंड दिस मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स। ओके, यहाँ से आपके पास ए मैट्रिक्स मिल गई, आपको निकालना है ए इनवर्स, उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, कोफैक्टर्स चाहिएंगे, यहाँ से कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर हमें जो ए इनवर्स मिलेगा वहाँ से कोफैक्टर्स निकाल के उनकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, मीन्स हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, देन ए इनवर्स मिल जाएगा आपको, जो भी मैट्रिक्स हम सॉल्व कर लेना है इसको, एंड एक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है, ए इनवर्स इंटू बी, ये हमारा सॉल्यूशन बनता है बाय मैट्रिक्स मेथड। यहाँ पे हम ए इनवर्स की वैल्यू रखेंगे, मैट्रिक्स ऑफ ए इनवर्स, एंड यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू है सेवन सेवन सेवनटीन, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज, एंड फिर कंपेयर करेंगे एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ से, एक्स वाई जेड। ओके, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स आएगी, मीन्स एक कॉलम में आएगा, तो x फर्स्ट नंबर के इक्वल, y सेकेंड नंबर के, z थर्ड नंबर के, a का इनवर्स निकालेंगे, मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी यहाँ पर, a का इनवर्स की ये वैल्यू आएगी। ओके, फिर हमें करना है a इनवर्स इंटू b, b मैट्रिक्स वन बाय टू, वन टू माइनस वन, माइनस टू टू, वन माइनस टू वन, मल्टीप्लाई बाय b मैट्रिक्स दिस, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देन वन बाय टू मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मीन्स ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पे, सेवन प्लस फोर्टीन माइनस सेवनटीन,
एंड सेकेंड इज -14, सेकेंड -14 एंड 34, 2 × 17, 7 -14 +17, ठीक है। एंड 1/2 से डिवाइड करेंगे, देन 2, 3, 5, ये आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ ए इनवर्स बी। और सॉल्यूशन क्या था, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स की वैल्यू क्या है, स्मॉल एक्स वाई जेड, यानी कि जो वेरिएबल हमें गिवन है, इक्वल टू मैट्रिक्स आई है 2, 3, 5। और दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनके एलिमेंट इक्वल होते हैं। इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू आ गई 2 फर्स्ट नंबर, वाई इज इक्वल टू 3 एंड जेड इक्वल टू 5, ये आ जाएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। इसके जो बाकी पार्ट है 9th क्वेश्चन के, उनको मैं जो PDF बना के उसके सॉल्यूशन की और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ पे जरूर चेक कर लेना। तो कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं वहाँ पे डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और फर्स्ट 4 क्वेश्चन सेकेंड जो मैट्राइसिस की प्लेलिस्ट पे जाओगे आप, वहाँ पे सेकेंड लेक्चर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कीजिए, कल हम लेंगे कैलकुलस का लेक्चर, आप इसको ट्राई करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।